हाँ, आपका क्या लोकस है पहले ये बताइए। लोकस, आई एम मेंबर ऑफ द बार एंड व्हाट एवर इज गोइंग आप ऑन, लेट्स इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाइए क्या? इट्स माय लॉर्ड, माय इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज अंडर पिटीशन माय लॉर्ड नहीं एंड नहीं व्हेन दिस पिटीशन, ये यस आई एम दिस आस्किंग यू पिटीशन, इन दिस वेरी पिटीशन WP 1867। नो माय लॉर्ड, इन द नहीं है तो बैठ लास्ट, जाइए, नहीं है तो बैठ, इन द नहीं लास्ट डेट्स, बैठे, आई एम जस्ट गिव वन नहीं ब्रिंग द सर लॉ बिफोर द लॉर्डशिप माय लॉर्ड, बैठ बिकॉज जाइए। बिकॉज द इलेक्ट्रिक, माय सबमिशन इज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द बार. आप तो वो लगाइए, इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगाइए फिर सुनेंगे, नहीं तो इनको बता दीजिए जो आपको कहना है, मनोज जी को बता दीजिए वो बता देंगे। आई विल But नॉट there is a हियर यू, judgment नो of आई the, विल नॉट हियर यू, आई विल नॉट हियर यू। but I am giving judgment, man. हाँ तो उनको दीजिए ना, यू आर फ्री टू गिव Because हिम। the आई विल question. नॉट हियर यू मिस्टर काउंसिल, थिंग इज वेरी क्लियर। इफ देर इज एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन बाई यू एज अ मेंबर, आई विल हियर यू। इफ Lord, देर the इज नो, last नो dates, my lord, नो नो my lord, सॉरी, my lord. And the लास्ट last, डेट इफ सम मिस्टेक हैज बीन कमिटेड, आई विल नॉट परपिचुएट दैट not मिस्टेक। mistake, it a liberty, नहीं it's वॉट because of the नेम, lordship, my lord, that if आई any हैव नॉट member गिवन want to यू, put his submission for आई the हैव interest, लिबर्टी। to ऑर्डर larger बताइए, interest, my lord, ऑर्डर not put submission. ऑर्डर शीट बताइए, कौन सी ऑर्डर शीट है? My lord, on the last date, my lord, the ऑर्डर please, शीट बताइए वकील साहब, my किस lord, ऑर्डर शीट में लिखा है? but it is a discretion of the नो lordship, नो my नो lord. सॉरी, आई रिफ्यूज टू एक्सरसाइज दैट डिस्क्रिशन। व्हाट एवर यू वांट टू से, If it, से इट थ्रू मिस्टर मनोज शर्मा और मिस्टर स्वप्निल गांगुली और मिस्टर मुकेश अग्रवाल, हूसोएवर इज द इंटरेस्टेड पार्टी इन योर एस्टिमेशन, आई विल नॉट हियर यू। हाँ दे दीजिए। Your Lordship, I have filed intervention application in हाँ this. आपकी इंटरवेंशन अलाउ हो गई क्या? हाँ नहीं, Your Lordship, it तो is. इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई है नंबर। Your Lordship, it is Your Lordship 17-3802/23, Your हाँ Lordship. बताइएगा, 17-3-23 को फाइल हुआ है हाँ सर. बताइएगा, 17-28। इसमें हम इंटरेस्टेड पार्टी ऐसे हैं कि बिकॉज आई वी हैव फाइल्ड पिटीशन, बेसिकली वी आर चैलेंजिंग एनी फैसिलिटी, फ्री फैसिलिटी टू पिटिशनर नंबर वन, योर लॉर्डशिप. वो तो उस पिटीशन के आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा। योर इफ लॉर्डशिप, ही अपहोल्ड योर सबमिशन दैट देयर एसोसिएशन इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, देन थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। योर इफ ही लॉर्डशिप, से दैट योर, इफ ही डिसमिस योर पिटीशन, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो आज तो आपका कोई लोकस नहीं है, आप भी बैठ, सर जब वो अभी बहस आप, बिजली में नहीं सुनेंगे, प्रमाइसिस के लिए, एसोसिएशन के रिकॉग्निशन के लिए आपको सुनेंगे। हमने आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया जी था सर, कि जब एक बार आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिबट आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द अदर साइड, दैट आई विल ग्रांट यू, एंड योर लॉर्डशिप, वी विल अबाइड बाय दैट। ठीक है चलिए हम ओके। मनोज जी क्या बताना है, ये क्या देगा आपको इतनी इंपॉर्टेंट पुड़िया? कुछ डिसीजन है, मैं थोड़ा देख के सबमिट करना चाहूंगा, मेरे पास तो है नहीं अभी तो. क्या डिसीजन है वो? पंजाब हरियाणा का है सर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कुछ बता रहे हैं. आपके हितैषी हैं और आपको जजमेंट भी टाइम से नहीं दिया इन्होंने, वो शायद स्वयं ही बताना चाह रहे होंगे. लाइए दीजिए, हम देख लेंगे, लाइए जी, दीजिए। दो और कॉपी दे दो. लाओ दे दो भाई, रीडर साहब। ठीक, सर माय एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग इंटरिम ऑर्डर इज आल्सो पेंडिंग इन दिस पिटीशन, योर लॉर्डशिप. अरे पहले जब तक आपका इंटरवेंशन अलाउ नहीं होगा वर्मा जी, सर तब तक एक्चुअली आप कैसे हो योर लॉर्डशिप, जाएगा? दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड टू बी इंटरवीनर इन द अर्लियर कहाँ ऑर्डर है, एज वेल कहाँ है वो बताइए, ऑर्डर शीट बताइएगा। कब सर, क्योंकि मेरे क्या आपकी, है अरे आपकी इंटरवेंशन कब अलाउ हुई बताइए तो प्लीज। सर, वो उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं किया, पर मुझे एज ए इंटरवीनर उन्होंने ट्रीट करते हुए हर ऑर्डर में लिखा है सर. नहीं लिखा होगा लेकिन मैं तो स्पेसिफिक ऑर्डर के बगैर नहीं कर सर मैं पाऊंगा। फैक्ट बता रहा हूँ सर, आपके फैक्ट समझ गए हम, सो आपका जो जो टोटल डिस्प्यूट है वो पिटीशन नंबर वन के साथ है। हाँ मैक्सिमम तो है सर. ठीक है ना, वो कल आपने बता दिया, वो सब समझ लिया नहीं हमने। सर, पर बिजली कंपनी के खिलाफ, बिजली काटने के खिलाफ रेमेडी 226 में नहीं है, इसके लिए कई जजमेंट्स हैं, और PIL जो है इन द शेप ऑफ वो तो WP. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बताइए, मुकेश जी को बताइए, वो बताएंगे, उनको नहीं असिस्ट सर, करिए। हाँ बिकॉज इट्स पब्लिक मनी इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम ठीक हियर. है, उनको असिस्ट करिए, वो बताएंगे। नहीं सर, अगर उनको इंटरेस्ट होता किसी भी सरकारी कंपनी को, 2016 का IA पेंडिंग है सर उनका, और अभी हम 24 में बहस कर रहे हैं सर, 8 साल हो गए सर उस स्टे को. पब्लिक अभी मनी व्हेन द वी आर इन्वॉल्व, पब्लिक मनी व्हेन आर पेरेंटेड इंस्टीट्यूशन इज नॉट पब्लिक बिकॉज ही इज नॉट अपोज्ड टू दैट। सर मेरा भी इसीलिए तो उस इनको रोक रहा हूं मैं, क्योंकि सर उसमें देयर भी इज मेरा इनहेरेंट एक, कॉन्ट्रडिक्शन। सर उसमें भी मेरा एक कहना ये है सर, कि अगर स्टेट ने एक बजट दिया है कि 1 करोड़ हम पूरे स्टेट को देते हैं, एक प्रिजम्पशन मान लूं मैं, तो उसमें से मान लो इन्होंने 90 लाख खर्च कर लिए अकेले,
और टोटल बिल 1.5 करोड़ है, तो 60 लाख कौन देगा? फिर उन्होंने अलग अलग देने को नहीं बोला है किसी को, शासन ने कहा है कि हमारा एक कोटा है स्टेट को देने का और हम एक इतना बजट देते हैं। पर आप अगर 3-4 बॉडी बना लो, या भारद्वाज के केस में ये कवर नहीं होते सर, पिटिशनर नंबर वन। और जो जो बीडी कौशिक में कोर्ट एनेक्स बार से हमारा इंटरप्रिटेशन, आप संजय वर्मा जी से इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, दोनों पिटीशन अलग अलग कर देते हैं, पिटीशन नंबर वन की अलग और पिटीशन नंबर टू की अलग। सर ये लोग इनका क्या रहता है, ये बॉडी के जो जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, देखिए एलिगेशंस मत लगाइए सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सर। नहीं नहीं नाम नहीं, पर इनका क्या है कि ये टाइम एक बार यहाँ चुनाव लड़ते हैं, एक बार वहां, तो दोनों जगह बैलेंस बना के रखते हैं सर। मैडम प्लीज बैठ जाइए, मैडम आप बैठ जाइए, आपका कोई लोकस नहीं है। मिस्टर वेन सीनियर काउंसिल इज स्टैंडिंग, ही विल रिप्लाई व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। सर मैं ये कह रहा हूं, ये सब नहीं सुनेंगे, आपका इंटरवेंशन अलाउ नहीं हुआ है। आपकी पहली पिटीशन में आप पिटीशनर हैं, उसमें आपको एट लेंथ सुन चुके हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो सुनेंगे आपको। यू विल हैव अ राइट टू रिबट व्हाटएवर इज सेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, ठीक है? चलिए, पर ये एक पॉइंट आया है सर जो मेरा कहने का, फिलहाल इसको सुन ले सर, अभी आप इसको अभी ये मत सुने। पर मान लीजिए कि सरकार बिजली दे देती है किसी भी तरीके से, हम हाइपोथेसिस पे नहीं जाते, पर वो एक कहेंगे कि अलग अलग बिजली नहीं देते सर वो किसी को, ठीक है? चलिए बुलाओ, चैनल को बुलाओ।